सोशल मीडिया पर इस वक्त प्रियंका और शालीन के बीच जंग छिड़ गई है। जी हाँ, इनके दोनों फैंडम्स ने बवाल मचा दिया है, दोनों के फैंडम्स ने बवाल मचा दिया है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर क्या है ये पूरा माजरा। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि सोशल मीडिया पर कई सारे फैंडम्स तो बन ही चुके हैं, जाहिर सी बात है, चाहे शिव हो, चाहे अंकित हो, चाहे प्रियंका हो, निमृत हो, एमसी स्टैन हो, सुम्बुल हो, सबके अपने अपने स्क्वाड्स हैं, अपने अपने आर्मीज हैं, अपने अपने यू नो फैंडम्स हैं। ऐसे में प्रियंका अंकित का मिक्स्ड फैंडम है, प्रियंकित फैंडम। उस फैंडम ने इस वक्त बवाल मचाया है शालीन के फैंडम के साथ। जी हाँ, शालीन के जो स्क्वाड हैं, शालीन के जो फैंस हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक सवाल पूछा कि कल जो कुछ भी हुआ, परसों जो कुछ भी हुआ, बेसिकली जिस तरीके से अंडों का जिक्र निकला कि शालीन को 12 अंडे दे दिए गए, जबकि वो एक वक्त का राशन था, और फिर शालीन को सिर्फ और सिर्फ चिकन से मतलब है, सो कहीं ना कहीं वो गलत है जिस तरीके का बिहेवियर शालीन करते हैं बार बार। सो इस तरह की सारी बातें जो की गई, जिस तरीके से ये सारी बातें पूछी गई, बवाल मचा, प्रियंका और शालीन के बीच बहुत ज़ोरदार लड़ाई हुई, और इन सारी चीज़ों में फैंडम्स बाहर डिवाइड हो गए कि आपके हिसाब से कौन सही है कौन गलत है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये देखिए, एक तरफ शालीन है, एक तरफ प्रियंका है, और इनके बीच रिक्वेस्ट फैंस करना शुरू कर चुके हैं कि आप जिसको सपोर्ट करते हैं उसे वोट कीजिए। मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर वोट्स जो है वो प्रियंका जहर चौधरी के सपोर्ट में है। जी हाँ, तकरीबन 70-30 का रेशो है, 30% लोगों ने वोट किया है शालीन को और 70% मेजॉरिटी ने वोट किया है प्रियंका को, ये कहते हुए कि प्रियंका ज़्यादा यू नो तसल्ली से बातें करती हैं, प्रियंका जो बातें करती हैं वो ज़्यादा सपोर्ट मतलब सेंसिबल लगती हैं, और प्रियंका कहीं ना कहीं सोच समझ कर बात करती हैं। सो ज़्यादातर लोगों ने यही कहा है कि प्रियंका सही लग रही हैं हमें, और जिस तरीके से शालीन का बिहेवियर था, देखिए हालांकि शालीन ने झूठ नहीं कहा, शालीन ने एक बात सच कही कि जब गौतम ने उन्हें ऑफर किया तो शालीन ने मना किया। सबसे पहले शालीन का जो फर्स्ट इंस्टेंस था वो था कि नहीं भाई, अभी देखते हैं बाकी का, एक बार सब नाश्ता कर ले फिर मैं देखता हूँ, क्योंकि ये पूरे घर का राशन आया हुआ था। सो पूरे घर के राशन में अगर सिर्फ 12 के 12 अकेले मुझे दे देगा तू, तो बाकी सब क्या खाएंगे। तो वो चीज़ शालीन ने कही थी, आई अग्री, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये कहकर भी ये ले लेना ये अपने आप में गलत है, और गौतम ने तो गलत डिसीजन लिया ही था अंडे सारे के सारे शालीन को देने का। और प्रियंका ने जो आवाज़ उठाई उस पर मैं ज़रूर अग्री करूंगी, लेकिन हाँ कहीं कहीं पर मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि प्रियंका थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा बोल रही थी, बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि शालीन स्टार्टिंग में उनसे बहुत नॉर्मली बात कर रहे थे, हो सकता है हमें दिखाया ना गया हो प्रॉपर तरीके से, और प्रियंका के गुस्से वाला साइड ज्यादा दिखाया गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शालीन आराम से बात कर रहे हैं बट प्रियंका चिल्लाकर बात कर रही है। अब आपकी बारी है, आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप किसको सही मानते हैं।